एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षकों के साथ साथ दीवारें भी पठन पाठन करवाती हैं, स्कूली बच्चों की भी जहां नजर जाए उसी तरफ शिक्षण सामग्री नजर आती है। ऐसी ही आकर्षक व रोचक जानकारियां मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र की राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला संगलवाड़ा बच्चों को दे रही है। स्कूल के कोने कोने में ज्ञान का भंडार है। मेन गेट से लेकर भवन के अंदर तक सीखने की कला को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। हालांकि कोरोना के चलते शिक्षण संस्थान बंद है। सीएसटी दलीप सिंह चौहान ने स्टाफ व अभिभावकों के सहयोग से स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है। विद्यालय भवन को बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित व आकर्षक बनाया गया है। विद्यालय में चार दीवारी का निर्माण किया गया है। प्रत्येक कक्षा कक्ष में एलईडी और अन्य आवश्यक सामग्री रखने के लिए खूबसूरत अलमारियां भी बनवाई गई हैं। दलीप सिंह चौहान, सीएसटी जीसीपीएस संगलवाड़ा। ये प्राथमिक संगलवाड़ा स्कूल का विद्यालय भवन है और ये विद्यालय भवन का बरामदा है। इस पर जो कार्य किया गया है वो बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों को मद्देनजर रखकर किया गया है। जैसे कि ये पाठशाला का इस बरामदा का गेट है, इस गेट में ये हल्की सी गतिविधि है। ये यहाँ पर जो एंगल लगाए हैं, ये कोण बनाए हुए, ये नाप कर बनाए हुए हैं। इसमें ये 60 अंश का है, ये 45 अंश का है, ये 30 अंश का है और ये 15 अंश का है। बच्चे इनको नाप भी सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने अंश का एंगल कैसा दिखता है। और इसके साथ में यहाँ पर ये भीने तैयार की गई है। भीनों में आप देख रहे हैं कि ये चार भाग हैं इसके, 1, 2, 3, 4 अलग अलग रंगों से किए गए हैं ताकि ये स्पष्ट नजर आए। ये इसको पढ़ सकते हैं बच्चे, 1/4, 2/4 और 3/4। इस तरह यहाँ पर बिल्कुल वर्गाकार रूप में दिए गए हैं। इसमें भी हमने चार स्क्वायर बनाए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, ताकि बच्चा इसमें समझ सके 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 2/4, 3/4 किस प्रकार से जो है पढ़ा जा सकता है। और इसके जो दूसरे पट पर भी हमने इसी प्रकार से ये बनाए हैं। और एक छोटी सी गतिविधि और है, ये गिनतियों को सीखने के लिए। इसमें हमने जो है आरोही और अवरोही क्रम में इन जो ये छोटे छोटे ब्लॉक बनाए हैं इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप एक ही है तो 1, यहाँ पर 2 है, 1, 2, 1, 2, 3, ये 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये बच्चे सीखेंगे। और साथ में अवरोही क्रम में ऊपर से नीचे को, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार बच्चे इसमें खेल खेल में ये सीखेंगे। क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए बच्चे आजकल पाठशाला में नहीं है। और ये बनाया हुआ गिनतारा है, ये पाइप से काट कर बनाया गया है। इसमें बच्चे खेलेंगे, खेलते खेलते सीखेंगे, 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से ये जो है 10 है और 100 तक है, ये 100 तक है। ये इस प्रकार 100 तक बच्चे जो यहाँ पर गिनती सीखेंगे और तरह तरह की गतिविधियों को अध्यापक की सहायता से करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दलीप सिंह चौहान, केंद्रीय मुख्य शिक्षक, राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला संगलवाड़ा, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। मेरे साथ मेरे स्टाफ के सदस्य श्री ज्योति प्रकाश जी, राजकुमारी जी, कृष्णा जी। हमने इस विद्यालय में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए तरह तरह की शैक्षणिक गतिविधियों को कमरे में, भवन की दीवारों में और ग्रिलों पर उन्हें जो है बनाया है, उनका निर्माण किया है। जैसे कि हमने इस गेट पर बच्चों के लिए एक गिनतारा बनाया है जिसमें 100 तक रंग बिरंगे छोटे छोटे नालियों के पीस बनाए गए हैं जिनसे बच्चे सीखेंगे और जिनसे बच्चे गिनतियों का ज्ञान हासिल करेंगे। और इसी गेट पर बच्चों के लिए भिन्नों की बड़ी सुंदर गतिविधि बनाई है। एंगल, बच्चे कोण कैसे सीखेंगे, ये हमने गेट पर पत्तियों की सहायता से उकेरे। और साथ में अवरोही
आरोही क्रम के लिए वहां पर गतिविधि है। और इस पाठशाला के सारी ग्रिल्स पर हमने हिंदी वर्णमाला के पूरे अक्षर, अंग्रेजी अल्फाबेट्स पूरे 26 अक्षर और साथ में गणित के अंकों को भी हमने लोहे के 1x1 की नालियों से, पाइप से हमने तैयार किया है और उनको रंग लगा करके वो बड़ा सुंदर बनाया ताकि बच्चे उसमें रुचि ले और साथ में बच्चे उनको सीखें। साथ ही साथ हमने 4x4 पाइप के चूड़ियां बनाई हैं, रिंग बनाए हैं, उन रिंग पर हमने जो है अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं हिंदी के, अंग्रेजी के, जैसे संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी और क्रिया, सर्वनाम, विशेषण, इस प्रकार के शब्दों को हमने एक एक अक्षर अलग अलग रिंग पर लिखे हुए हैं और बच्चे उन रिंग को घुमाते घुमाते जो उनसे अक्षर बन पाता है उनको सीखेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। हमने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के भी हमने इसी पर मॉडल बनाए हुए हैं। हमने ज्योमेट्रिकल शेप्स जिसमें त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, वृत्त है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, वो सारी शेप्स हमने लोहे की ग्रिल पर तैयार की है। और साथ में हमने जैसे ट्रैफिक रूल्स का है और विवग्योर जो 7 रंग है उनको भी हमने इस ग्रिल पर प्रदर्शित किया। और इसके अलावा हमने बहुत सारी ऐसी गतिविधियां पाठशाला में बनाई है, उनका निर्माण किया है जिसमें बच्चे खेल खेल में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से अजय रांगड़ा की रिपोर्ट।